हेलो दोस्तों, आज आपकी वीडियो के अंदर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। ये एक टेक्नीशियन का पीसीबी है और ये पीसीबी के अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम था, वो सब कुछ रिपेयर किया, इसका आईसी प्रॉब्लम था, आईसी को रिपेयर किया और पावर सेक्शन का प्रॉब्लम था वो भी रिपेयर किया, और कि इसका जो वर्टिकल सेक्शन है इसका भी प्रॉब्लम था वो भी रिपेयर किया, और ये पीसीबी क्रैक था वो क्रैक को भी रिपेयर किया। पीसीबी का अंदर जो क्रैक हो गया था बहुत छोटा छोटा लाइन था, छोटा छोटा लाइन को भी वो ज्वाइन किया, और उसका बाद ये पूरा कंप्लीट करने के बाद इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ आ गया। पर दोस्त, इसका जो पिक्चर का अलग प्रॉब्लम आ गया कि एक पिक्चर चल रहा है और उसका अंदर वो पिक्चर का अंदर भी अलग से पिक्चर हल्का सा वो चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह इसका प्रॉब्लम है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो के अंदर छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, वीडियो मैं बहुत लॉन्ग नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों ये अकाई का एक पीसीबी है अल्ट्रा स्लिम टीवी का, ठीक है, और ये पीसीबी आप देख सकते हो। बट दोस्तों जल्दीबाजी से वीडियो को मैं बनाया और इसका अंदर बहुत कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, बट जो प्रॉब्लम मिला यही आपको वीडियो के अंदर देखाऊंगा, ठीक है। ये ऑडियो वीडियो कनेक्शन इसका अंदर है, और चलिए ये जो टीवी है, ये जो रिमोट है इसका, तो ऑडियो वीडियो करके आपको दिखाता हूँ एवीमूट करके, कि एवीमूट करने के बाद इसका स्क्रीन के अंदर पिक्चर आ रहा है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, बट आप दोबारा भी ये वीडियो को बैक करके देख सकते हो कि एक पिक्चर चल रहा है और पिक्चर का अंदर और एक सा अलग सा दूसरा चैनल का पिक्चर चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छा करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और अलग अलग चैनल भी प्ले करके दिखाना चाहता हूँ कि ये अलग अलग चैनल का वीडियो चल रहा है और वीडियो का अंदर और एक सा वीडियो हल्का सा, बहुत ही हल्का सा और एक पिक्चर चल रहा है। तो दोस्तों ये एक ही चैनल का अंदर अच्छा करके ये क्लियर कैमरा का अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं दूसरा अलग अलग चैनल प्ले करके आपको दिखाता हूँ। आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि एक वीडियो का अंदर और एक सा वीडियो, मतलब अलग दूसरा चैनल का वीडियो चल रहा है। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा मन में लगेगा कि ये क्या फॉल्ट है, तो ये वीडियो लाइन का प्रॉब्लम है क्या, इसका नेगेटिव प्रॉब्लम है क्या, हो सकता है कि इसका सेटअप बॉक्स का प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों सब कुछ अच्छा करके देखने का बाद, तो दोस्तों मेरा जो दोस्त है उसका दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों उसका बाद मेरा पास ये पीसीबी को मैं जब अच्छा करके देखा, देखने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो आपको देखूंगा इसका जो प्रॉब्लम कौन पोजिशन से हो रहा है, पर दोस्तों ये जो सिम्टम को अच्छा करके आपको देखना पड़ेगा कि एक पिक्चर का ऊपर और एक सा पिक्चर चल रहा है। देखिए जो पीसीबी है इसका अंदर बहुत कुछ वो काम किया, मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद आपको अभी इसी टाइम जो दिखाना चाहता हूँ ये जो वर्टिकल आईसी का पोजीशन, ठीक है, इसका अंदर एक हीट सिंक रहता है, ये जो हीट सिंक का पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट, तो ये जो पॉइंट ये कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, बट इसका अंदर ये छोटे छोटे लाइन जो चला गया ये क्रैक था ये पोजिशन, तो ये पोजीशन को वो ज्वाइन किया। आपको एक बार दिखाना चाहते हो अच्छा करके देखिए, ये पोजीशन जो ज्वाइन किया इसका अंदर देखिए ये शुरू एक लाइन का साथ वो ज्वाइंट हो गया। तो एक्चुअली ये जो शुरू वाला लाइन है ये ऊपर चला गया, ये इधर साइड से ये ऊपर चला गया, ठीक है, और ये लाइन से इधर चला गया, बट ये कौन सा लाइन है मैं अच्छा करके नहीं देखा, बट जो ज्वाइंट था ये जो ज्वाइंट को मैं रिमूव कर दिया ये पोजीशन का, ठीक है, ये ज्वाइंट को मैं रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट आपके पास इसी तरह कुछ पीसीबी आएगा तो ये लाइन को अच्छा करके देखिए और ये कौन सा लाइन है, आपके पास इसी तरह सेम पीसीबी है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों मैं जल्दीबाजी से काम करने के बाद ये लाइन को अच्छा करके मैं चेक नहीं किया कौन सा लाइन है, ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसलिए मैं पीसीबी को छोड़ दिया। तो आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो पिक्चर प्रॉब्लम था, जो डबल पिक्चर प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो गया, इसका अंदर डबल पिक्चर प्रॉब्लम अभी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, कुछ भी टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है, बट वो लाइन को आपको देखना पड़ेगा।